एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, जो कि हमें दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। हमें गिवन है 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen। करना क्या है हमें, दो चीज़, एक तो पेंसिल है और एक क्या दे रखा है, कलम दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, माना 1 pencil का मूल्य बराबर ₹x हो गया, क्योंकि दो वेरिएबल हैं। दूसरा कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हो गया बराबर ₹y। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो प्रश्न अनुसार, अब पर्सन क्या कह रहा है, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ लाइन को। पर्सन कह रहा है कि 5 pencil, तो 5 pencil का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x, और 7 कलम, 7 कलम मतलब 7y का जो कुल मूल्य है वो ₹50 है। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 50। ऐसे ही दे रखा है, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। जबकि 7 pencil मतलब 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y, इसका टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 46, ₹46। तो हमें ये पता लगाना है कि 1 pencil का और 1 pen, 1 कलम का मूल्य कितना होगा। तो इक्वेशन 2 बन गई है। कौन से मेथड से सोल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, 5x प्लस के 7y बराबर के 50। अब या तो x को इक्वल कर सकते हैं या y को। एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन सोल्व हो जाए, सॉल्यूशन इजी हो, इसके लिए हमेशा याद रखना, अगर कोई 2 के गुणा में आ रहा है या 5 के में, तो हम उसको अकेला करते हैं। तो यहाँ पे x आ रहा है अकेले में, तो मैं इसे x को अकेला कर रहा हूँ। x बराबर 50 में से 7y जाएगा, इधर अभी 5x ही सेम रहेगा। जैसे ही x अकेला करूँगा, 50 माइनस के 7y/5 में 5 आ जाएगा। अब बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ y की जगह 0। जैसे ही y 0 रखता हूँ, तो x बराबर आ जाता है 50 माइनस के 7 × 0/5। 7 को 0 से गुणा करोगे 0, और 50 में 5 का भाग दोगे 10। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। सेकंड वैल्यू, अब y का ऐसा मान लेना है कि यहाँ पे भाग डिवाइड भी पूरा चला जाए, नहीं ग्राफ बनाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ अगर y की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो 7 × 2 = 14, 50 में से 14 घटाओगे भाग नहीं जाएगा। 3 लेता हूँ 21 आएगा, भाग नहीं जाएगा। 4 लेता हूँ 28 आएगा, भाग नहीं जाएगा। 5 लेता हूँ तो भाग चला जाएगा, ऐसे जाएगा वो। देखो y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर इसमें रखना है 50 माइनस के 7 × 5/5, 50 माइनस के 35/5। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 50 में से 35 गया तो 5, 4 में से 3 एक, 15 में 5 का भाग दिया, 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। थर्ड रखते अपन। अब मेरे को यहाँ से पता चल गया कि y की एक वैल्यू 0 ली, एक 5 ली, तो अगला मैं डायरेक्ट y बराबर 10 ले सकता हूँ। जैसे ही y बराबर 10 लूँगा, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस का, देखो 10 लेंगे तो 10 × 70/5, और 50 में से 70 नहीं घटता, तो 70 में से 50 घटा देंगे। बड़ी संख्या नेगेटिव की है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो 5 × 20 कितने आ गए, माइनस के 4 आ गए मेरे पास। अब इसको टेबल में लिख देते अपन, ग्राफ बनाने में जी कर होगी कल। एक्स वाई, ये 3 वैल्यू निकाली। सबसे पहले y बराबर 0 लिया, फिर 5 लिया, फिर 10 लिया। x बराबर 10 आया, 3 आया और -4 आया। ये हमारी एक इक्वेशन का आधा काम कंप्लीट हो गया। अब इक्वेशन सेकंड चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 7x + 5y = 46। अब वही करूँगा मैं, 5 का जो मल्टीपल है उसको अकेला करता हूँ, तो 5y = 46 माइनस के 7x, y बराबर आ जाएगा 46 माइनस के 7x/5। इक्वेशन ए ये हो गई, अपनी बी हो गई। बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे x = अगर मैं 0 लेता हूँ तो डिवाइड नहीं जाएगा, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 × 3 = 21, 6 में से घट के 5 बच रहा है। तो x = 3 लेता हूँ, तो y = 46 माइनस के 7 × 21/5, 6 में से 1 गया तो बच गए 5, 4 में से 2 गया 2, 25 में 5 का भाग दिया, 5 आ गया।
एक्स की मान 3 रखा तो वाई की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट रखते हैं, अब एक्स बराबर 4 ले रहा हूँ 28 नहीं आ रहा, 5 ले रहा हूँ 35 नहीं आ रहा, 6 ले रहा हूँ 42 में भी नहीं आ रहा, 7 ले रहा हूँ 49 नहीं आ रहा, 8 ले रहा हूँ तो 8 पे आ जाएगा। x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 46 माइनस 856 बटे में 5 तो बच गए माइनस के 10 बटे में 5 बराबर माइनस के 2। थर्ड, अब मेरे को पता चल गया क्या ले रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे मैंने x बराबर 3 लिया था, यहाँ पे लिया है 7 8 56 8 लिया है, तो 5 5 का गैप आ रहा है ना, 3 लिया 8 लिया, तो अब अगला नंबर में डायरेक्ट 13 ले सकता हूँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस के 13 7 91 बटे में 5 11 में 6 गया 5 8 में से 4 गए तो 4 45 आ गया बटे में 5 कितना बच गया 9। ये नेगेटिव आएगा, बड़ी संख्या नेगेटिव इसलिए नेगेटिव, इसकी टेबल बना लेंगे, ये x ये y ये 3 वैल्यू ली, जैसे मैंने x बराबर 3 लिया है 8 लिया है 13 लिया है, y बराबर 5 आया है माइनस 2 आया है और माइनस 9 आया है, इन दोनों से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में जहाँ इंटरसेक्ट करेगी लाइन वही क्या होगा हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।